दावते इस्लामी की ओर से मुंद्रा में 7 दिन का फैजाने नमाज कोर्स रखा गया। मुंद्रा की ईदगाह बाड़ी में दावते इस्लामी की ओर से 7 दिन का फैजाने नमाज कोर्स के नतीजे का प्रोग्राम रखा गया। ये प्रोग्राम कच्छ जिला के सभी स्टूडेंट के लिए रखा गया था। इस प्रोग्राम में कच्छ भर में से 50 से अधिक तुलबा ने हिस्सा लिया। 7 दिन चलने वाले इस इम्तिहान का आज नतीजा था, जिनमें से टॉप 10 में आए तुलबाओं को सर्टिफिकेट के साथ तोहफे से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में मौलाना मोहम्मद कादरी, मौलाना अशफाक अकबरी, मौलाना मुंतहर सिद्दीकी, मौलाना अब्दुल रशीद और सदाम मिथानी, सिकंदर मिर्जा, अरशद मिर्जा, एडवोकेट इस्माइल तुर्क और मेहमान उपस्थित रहे थे। शिराज मलिक के साथ कासम खलीफा, न्यूज 11 गुजरात, मुंद्रा, कच्छ। जी, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। आज अल्लाह पाक के फजल करम से जो 7 दिन का स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत 7 दिन का फैजान नमाज कोर्स हुआ था, इसका सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखा गया था। जी हाँ। अच्छा, जब ये सेरेमनी रखा गया, 70 का कोर्स था। जी हाँ। लोग जो यहाँ पे यंग जनरेशन बहुत हमें दिखे, जी हाँ, बच्चे, जी, उन्हें कैसी राह रही, कैसी शौक कैसा रही 70 का? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो यंग जनरेशन लोग है, उनको इल्मे दीन सीखने का जज्बा होता है, बट हमारी वहाँ तक अप्रोच नहीं होती, उन लोगों को हम टच नहीं करते। अगर टच करेंगे तो अल्लाह पाक ने चाहा तो ये यंग जनरेशन, वो बोलते हैं ना, हमारे मुल्क का शर्माया है, अगर वो यंग जनरेशन अगर आगे आएंगे तो इंशाल्लाह दीनों दुनिया के फ़ायदे नज़र आएंगे इंशाल्लाह। तो मौलाना साहब, एजुकेशन की बात की आपने, एजुकेशन में जब ऐसे ऐसे अच्छे फंक्शन होते हैं, जी हाँ, एजुकेशन में हम बहुत पीछे हैं, आपको भी बताया, मुझे भी बताया, जी हाँ, एजुकेशन में भी ऐसे आगे बढ़ना है तो आज के नौजवान बच्चे को एजुकेशन में क्या करना पड़ेगा? मॉडर्न एजुकेशन तो हासिल करना ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दुनिया इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रही, और मॉडर्न एजुकेशन उनको भी हासिल करना चाहिए, और ये भी नहीं सिर्फ 10th और 12th तक रह जाए, आगे इंशाल्लाह उसको मोटो बनाकर, विज़न बनाकर कुछ आगे बढ़ेंगे तो वो भी फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। मतलब आप कह रहे थे लक्ष्य होना चाहिए? जी हाँ, लक्ष्य विजन होना चाहिए। ये ऐसे प्रोग्राम केवल कच्छ में ही हुए हैं कि बाहर भी होते हैं कच्छ से? नहीं, बिल्कुल, कच्छ से बाहर भी ये प्रोग्राम होते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में समझ लीजिए गुजरात में भी होते हैं, राजस्थान में भी होते हैं, बहुत प्रोग्राम होते हैं। आज के फंक्शन में कौन कौन आए थे यहाँ? आज के फंक्शन में अपने जो कच्छ के जो प्रमुख थे वो आए थे, और हमारे इमाम साहब थे वो भी आए थे, और एडवोकेट्स वगैरह वो भी, इनको भी दावत दी गई थी, ये लोग आए थे। आज के इस फंक्शन के बारे में मीडिया के माध्यम से लोगों को क्या कहना चाहोगे? मीडिया के माध्यम से, मैं प्लेटफॉर्म से यही कहना चाहूँगा, जितने भी कच्छ के स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं यही अर्ज़ करूँगा कि आप दीनी माहौल की तरफ भी आएँ। जितना हम मॉडर्न एजुकेशन को फोकस करते हैं ना, इससे कहीं ज़्यादा हमको दीन का इल्म हासिल करने की भी ज़रूरत है, साथों साथ दोनों कम्बाइन लेकर चलना है, इल्म दीन भी सीखना है और मॉडर्न एजुकेशन भी हमको साथ में लेना है। खास करके मौलाना साहब, आपके सवाल, आज के जो नौजवान हैं, नौजवान, जी हाँ, वो ज़्यादातर मोबाइल के पीछे बहुत भागते हैं। बिल्कुल, आप भी समझते हैं, जब भी वक्त मिलता है मोबाइल को ले लेते हैं। जी जी, आज मोबाइल जो हमारी जहन में जो बीमारी बन चुकी है कि फ्री टाइम में मोबाइल, वो मोबाइल का सही उपयोग कैसे करें आज के नौजवान? ये क्रेडिट गोज टू पेरेंट्स, राइट? जो पेरेंट्स जो लोग हैं अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने की कोशिश नहीं करते, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स लोग देखें, आप नौजवान की बात करें हम, तो वो स्टूडेंट्स जो ज़्यादातर टाइम स्पेंड कर रहे होते वो लोग मोबाइल से कर रहे होते हैं, और पर्सनली जो लाइफ है पेरेंट्स को है और अपने भाई बहनों को है, ठीक है, और इसी तरह दोस्तों वगैरह के साथ इस तरह से जो टाइम स्पेंड करना चाहिए वो नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा अकेले मोबाइल लेकर बैठे होते, बहुत सारा वक्त उसमें ज़ाया कर रहे होते हैं। मौलाना साहब, आप मुंद्रा में ये फंक्शन ऐसा मत किया, आपके कौन कौन का सहयोग अच्छा मिला आपको इस प्रोग्राम में? ये अल्लाह पाक के फजल करम से अपने अप्रोक्सीमेटली 1 महीना पहले ही इसकी तशहीर शुरू हो गई थी, और बहुत सारे टीचर्स जो थे उनका भी सपोर्ट मिला हमको, और जो इस्लामी भाई थे इमाम साहिबान तक भी ये पहुंचाया गया था, उन्होंने भी ये कोशिश की थी कि यहाँ से स्टूडेंट्स जाए और राह रास्त पर आए, कुछ इल्म दिन हासिल करें। स्पेशल मैं बोलूँ तो टीचर्स का सपोर्ट रहा है इसमें। मैं मैसेज ये भी दूंगा कि अगर नेक्स्ट कमिंग ईयर या एनुअल वैकेशन में जब भी ऐसा कोर्स वगैरह आता है ना, अगर टीचर्स वगैरह अगर स्टूडेंट्स को भेजेंगे तो उनकी बात लोग मानते हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छा लोकेशन भी बहुत अच्छा रहा स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली ये लोकेशन सिलेक्ट किया गया था, और बहुत ही अच्छा पहले से, और इन सब की नियत भी है इंशाल्लाह कि इन्होंने भी कहा है कि नेक्स्ट कमिंग ईयर या एनुअल वैकेशन के टाइम जब भी कोर्स होगा ना तो ऐसा ही लोकेशन होना चाहिए, इनको बहुत अच्छा लगा। आपको मज़ा आया इधर प्रोग्राम के? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमको बहुत मज़ा आया, मेरे को ही नहीं, इमाम साहब को भी आया, सबको आया। आप जैसे बच्चे, आज जैसे, अच्छा, बहुत अच्छा है आप जैसे बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो आपके साथ में दूसरे आपके दोस्त हैं वो नहीं आए, उसको क्या मैसेज दोगे? मेरे जैसे मेरा मैसेज ये है कि जो भी नहीं आए उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो
यहाँ पे आए और इल्मे दीन हासिल करें और इल्मे दीन को दुनिया में आगे फैलाएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उवेश बायड़ है और आज हमने इधर 7 दिन का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से फैज़ान नमाज कोर्स किया और इसका आज जो प्रोग्राम रखा हुआ था वो तहाइफ के बारे में प्रोग्राम था और जिनका नंबर आए थे उनको प्रोग्राम दिया गया, तोहफों से नवाजा गया। आपका फर्स्ट प्राइज आया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कैसी मेहनत की और आपको जो फर्स्ट प्राइज मिला था आप लोगों को क्या संदेश दोगे? अच्छा, लोगों को मैं यही संदेशा दूंगा कि फर्स्ट प्राइज जब आया था तब हमें पहले से मेहनत करनी पड़ती है, आखिरी दिन ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं होगा। पहले से आप जो इल्म दिन पढ़ रहे हो उसे आप याद करें, उससे आप सीखें और उससे आप दूसरों तक भी पहुँचाएँ, इससे आपकी भी इसलाह होगी और इंशाल्लाह दूसरों की भी इसलाह होगी। तो आपका ये 7 दिन का सफर कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले हमारी ज़िंदगी में 7 दिन में ऐसे बहुत से हमने पॉइंट सीखे जो हमें पहले नहीं पता थे और हमें 7 दिन में सीखने को मिले, और पहले ऐसे भी बहुत पॉइंट थे जो हमें नहीं पता थे, हम गलत फहमी में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे, गुनाहों में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह के फजल व करम से हमने ये 7 दिन का फैज़ान नमाज कोर्स किया जिससे हमारी बहुत सारी गलतियां सुधर गई और अब हमारा रास्ता नेकी की तरफ बढ़ने जा रहा है। ये जो कार्यक्रम किया गया वो केवल मुंद्रा सीमित था या पूरे कच्छ जिले का? ये पूरे कच्छ जिले का था। इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट हुए थे? इसमें अराउंड 50-48 के लोग स्टूडेंट थे, सब स्टूडेंट थे, वो सब पार्टिसिपेट हुए थे। आप कहाँ से आए हो? हम भूज से आए थे। भूज से यहाँ जी कितना दिन रहे? 7 डेज। हम यहाँ पे 7 डेज रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह।